किसी महान ट्रेडर ने कहा है, बिरादर देन तुम लोगों को अपना हाथ काटना पड़े ना, अपनी उंगली काट लो। बट मैंने इसमें रादर देन तुम लोगों को अपना हाथ काटना पड़े ना, अपनी उंगली काट लो। बट मैंने इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग करी है, उंगली भी काटने की क्या जरूरत है भाई, इससे बढ़िया नाखून ही काट लो जिसका सालों कोई नुकसान भी नहीं है। आज अपन लोगों ने अपना ट्रेड एग्जिट करा, इस हफ्ते के 3 दिन अपन लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, एग्जिट करा आज बहुत ही माइनर से लॉस, मतलब दैट्स नॉट इवन अ डेंट ऑन माय क्या कहते हैं उसको, ओ यार उसको कैपिटल मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, बट हाँ लॉस हुआ आज, कोई नहीं, छोटा हुआ, जितना छोटा हो सकता था ना उतना छोटा कर, मतलब वो जो ग्राफ था ना वो जब बिल्कुल 5 पैसे मेरे एंट्री से था ना ऊपर, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेल करा था, तब जाके मैंने वो एग्जिट कर दिया कि ना भाई कुछ नहीं पता, भले ही अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, मेरा बहुत हैवी लॉस हो सकता था, बट छोटे लॉस में टल गया, बहुत बढ़िया, सिर्फ यही लगा लो तुम लोग पर शेयर 5 पैसे का फ़र्क पड़ा। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एक बार फिर से मेरी दुनिया में, होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। एंड अभी भाई मेरे पैर ना रिजिट ठर रहे हैं क्योंकि मैं इसी पे ही वॉक कर ही जा रहा हूँ बार बार पागलों की तरह। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल अपन लोगों का एग्जाम भी है, तो कल तो शायद सब लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बट चलो कोई ना भाई, ठीक है, इस हफ्ते में से 1 दिन ट्रेड नहीं करा, 1 दिन एबसेंट लग गई, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, 1 दिन लॉस हो गया, तो ठीक रहेगा। फिर भी एट द एंड हफ्ता ना बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छी रिटर्न दी, टचवुड हर हफ्ता ऐसी रिटर्न देना मैं खुश हूँ भाई, मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर मान लूंगा, बट होता नहीं ना, यही तो ट्रेडिंग की गलत बात है। तो चलो कोई ना, अभी भाई हमारे घर पे पंडित जी भी आ चुके हैं जिनके जूते यहाँ पे पड़े हैं, थोड़ी देर में हमारे घर पे पूजन वहीं पे ही मंदिर में, तो ठीक है उसकी तैयारियाँ करते हैं, एंड माथा भी अपन लोग अभी टेक देते हैं। अभी जो है टीका वगैरह देख के तुम लोग समझते जरूर रहे हैं कैसा है, अपन लोगों का पूजन तो एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है, एंड अभी अपन लोग जा रहे हैं गौ माता को रोटी देने के लिए, ये देखो मेरे हाथ में रोटी, ज़्यादा अपन लोगों ने एक्टिव भाई नेक्स्ट लेवल हो रखी है, उतनी ज़्यादा ठंड होनी नहीं चाहिए, मैं यहाँ बैठ रखा था ना, मैं रिजिट अपने आप को पूरा कवर करके बैठ रखा था, गलती से भी भाई एक भी कण ठंड का आनंद चले थे, ऐसी ही तैसी फिर चाहिए, तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से काउ को रोटी देके आते हैं, उसके बाद आज पूरा दिन आराम से घर पर रिलैक्स करेंगे। देखो लॉस हुआ, थोड़ा दुख हुआ, बट जितना छोटा लॉस हुआ है ना भाई, ना दुख लूँ वही ज़्यादा बढ़िया है, अभी इतने में टल गया, अभी मैं देख रहा जी मैं अभी तक होल्ड करके रखता ना, कम से कम नहीं तो मेरा 4 से 5 हज़ार का लॉस हो जाता, एंड अभी उसका 1% का लॉस हुआ है, हाँ तो फायदे में ही रहा आज अपन लोग। तो वहाँ पे देख लो पापा गौ माता को तो रोटी देके आ रहे हैं, एंड मेरे को एक सेकंड को लगा वो जो पीछे कंबाइन है उसको पता नहीं क्या है, क्या वो कुछ तो है वो ट्राले के ऊपर, वो ना मूव कर रहा है मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने फटाफट इसको इधर करा, बट ना भाई वो तो बेचारे एक जगह खड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे देखो कितनी ही स्क्रैप की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ भी नहीं कहेंगे तो खैर सिर्फ वो बैक साइड है सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े ट्रकों के, और फिर भी कितने ही सारे पड़े हुए हैं भाई यहाँ पर।